वहीं बोकारो में आतंकियों की घुसपैठ के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद स्टील और कोल सेक्टर के साथ आईएल बारूद फैक्ट्री, रेलमार्ग और हाईवे और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। डीआईजी कोयलांचल प्रभात कुमार ने धनबाद बोकारो जिलों की पुलिस को निर्देश दिया कि धर्मशाला, होटल और रेस्टोरेंट में औचक छापेमारी की जाए। रेलवे स्टेशन और रोडवेज पर होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए। बोकारो धनबाद से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा पर भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अलर्ट किया गया है, ये रूटीन वे में हम लोगों को आया है, पर हमने अपने यहाँ जो एहतियातन जितने भी चीज़ें करनी है, चाहे वो होटल्स का, धर्मशाला का, गेस्ट हाउसेस का, जो औचक निरीक्षण, चेकिंग, और इसके अलावा भी एंटी क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रतिदिन अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं।